कुछ दिन और हिला के काम चला लो यार, वही माँ बाप आपको लड़की भी दिला देंगे। हाँ यार, और वैसे भी देखो यार, भाग के चटाई पे सेक्स करने से ज्यादा मजा ना एसी वाले रूम में गद्दे पे लेटे लेटे हिलाने में है। तो आप लोगों में से कोई है जो बहुत जल्दी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है? लाइक कोई कुछ भी बोले कहता है ये यार सही बोल रहा है यार, ये मैं क्यों नहीं सोच पाया। कोई नहीं है, सब खुद की बातों पे अटल है। इतनी समझदार ऑडियंस हो भी मेरी। क्योंकि यार मैं खुद ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता हूँ, और खासकर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की, यार इन्होंने ना मेरी लाइफ को हैक कर लिया है। और ऐसा पहले नहीं था यार, ये सिलसिला ना अभी कुछ साल पहले चालू हुआ, जब मैं अपने लाइफ के ना सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो गई थी, और गर्लफ्रेंड थी नहीं तो दोस्तों की याद बहुत सताने लगी, और सिर्फ जाके सॉरी बोलता सब कुछ पहले की तरह सॉर्ट आउट हो जाता, पर इतना डाउन टू अर्थ नहीं था ना मैं। अकड़ भी तो कोई चीज़ है यार। हाँ मैं क्यों वो झुकूँ यार उनके आगे, है ना, दोस्ती के नाते उन्हें भी तो सॉरी बोलनी चाहिए थी। बिल्कुल पापा की परी वाला वो एटीट्यूड आ गया था मेरे अंदर कि आई नो आई एम रॉन्ग, बट एटलीस्ट उसे मुझसे एक बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तभी तो मैं कुछ बोलती, उसने की नहीं, सो आई कांट। हाँ तो मेरे दोस्तों ने भी मुझसे बात नहीं की, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। इतना दुखी हो गया था ना, गम के मौके पे छोड़ो खुशी के मौके पे रो देता था। फिर मैंने कि यार ऐसे ज़िंदगी तो नहीं जी सकते ना, तो खुद को खुश रखने के लिए मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चालू करा। और देखा आपने, ये लोग ना यार किसी भी सिचुएशन से डील करना सिखा देते हैं। लाइक मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बंदा कहता है कि ये दुनिया ना बहुत मतलबी है। ऐसा नहीं है, ये बात मुझे पता नहीं थी, पर कोई और बताता तो एकदम हिट करती है ना। कहता है ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ किसी को भी आपके दुख से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो क्या करे, कहता है अपने गम को अपने अंदर रखो, किसी को बताओ मत, क्योंकि बताने से आपका गम बढ़ जाएगा। तो मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरे पेरेंट्स आके मुझ पे चिल्लाने लगे, पर मुझे पता चल चुका था ये दुनिया मतलबी है, इनको फर्क नहीं पड़ता, बस इनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं दुखी हूं। तो मैंने बिल्कुल स्माइल करा और मैंने कि कोई बात नहीं, ये सब जिंदगी में होता रहता है, रिलैक्स। उनको गुस्सा आ गया, कह रहे फेल हुआ हो तो हुआ, आंखों में शर्म भी नहीं बची, हंस के दिखा रहा है। कोई नहीं, हंसले हंसले आज तो मेरे राज में हंस लेगा, कल जब भीख मांगेगा तब पता लगेगा। हाँ ये पेरेंट्स लोग कुछ नहीं कर पाते ना तो बद्दुआ दे देते हैं। और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही नहीं यार, दुनिया के सारे पेरेंट्स बच्चों को कल के लिए डराते हैं कि आज ये करेगा तो कल ऐसा हो जाएगा, आज नहीं पढ़ेगा कल भीख मांगेगा। हाँ तो मुझे भी ना कल की चिंता सताने लगी, तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि कल को अच्छा कैसे बनाएं। तो वहाँ पे ना एक वीडियो है जिसमें बंदा कहता है कि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचो कि कल कैसा होगा, क्या पता कल हो ही ना। मैंने कहा यार सही कह रहा है, तो मैंने कि फिर क्या करें। कहता हर दिन को जियो, आज ही मौज लो। तो मैं मौज लेने लगा। और देखो एक मिडिल क्लास बंदा जिसके जेब में ना नोट है और ना बाहों में गर्लफ्रेंड, उसके पास मौज लेने का एक ही तरीका है, हिला के। मैं हिलाने लगा दिन रात, डिक में थोड़ी सी भी जान आती मैं हिला देता कि मौज तो लेना पड़ेगा, कल हो ना हो। इतना हिलाया कि हिलाने से मौत हो जाती। वो तो फिर एक वीडियो मेरे सामने आ गई जिसमें बंदा कहता है कि अपनी जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट मत करो, ये बहुत कीमती है, एक बार मिली है तो एक ही बार कुछ ना कुछ करके दिखाओ। मैंने कहा क्या करूं? कहता है अपने सपनों को पूरा करो। मैंने कहा कह तो सही रहा यार, सपनों को तो पूरा करना पड़ेगा, पर एक मिनट मेरे पास तो कोई सपना ही नहीं था यार। तो मैं जाके सो गया, सपना देखा, सुबह उठा और उसे पूरा करने निकल गया। और देखो हमारे एज के बंदे ना सपने में ये नहीं देखते कि आज कुछ तूफानी कर दूंगा, ऐसा आविष्कार करूंगा कि देश का नाम ही रोशन कर दूंगा, नहीं, हमारे उम्र के लौंडे सिर्फ गुटर गु करने के सपने देखते। तो मेरे सपने में भी एक लड़की आई, और वैसे बहुत सारी लड़की थी मेरे कॉलेज में, पर मेरे सपने में सबसे डिफिकल्ट वाली है यार, पिंकी। हाँ इसको पटाना बहुत मुश्किल था भाई, क्योंकि आप लोगों ने वो गाना सुना है पिंकी है पैसे वालों की, इसी के ऊपर है, बहुत खर्चे थे इसके और मेरी जेब तो खाली थी।
पर मैंने वीडियो में देखा था कि अगर दिल में चाहत और सच्ची लगन हो ना तो हर चीज़ को पाया जा सकता है, तो मैंने उसी लगन से उसके पीछे पड़ गया। एक महीने में सेट भी हो गई और उसे भी मुझसे प्यार हो गया। हम दोनों के बीच में इश्क वाला लव चलना चालू। हम लोग भी वो परफेक्ट कपल नहीं होते हैशटैग मेड फॉर इच अदर वाला वो कपल्स गोल्स करते हैं, वो करना शुरू कर दिया। हैशटैग मिले बाबू ने थाना था यार। बिल्कुल खो गया था यार, सब कुछ भूल गया, इतना प्यार हो गया मुझे। हाँ, मैं सुबह गाड़ी लेके गया एक दिन, वापस ऑटो से आ गया, गाड़ी भूल गया। सुबह उठा, पार्किंग में ढूंढा, याद ही नहीं कुछ प्यार के सिवा। कंप्लेंट डाल दी, पुलिस वाले गाड़ी ढूंढ रहे हैं। और मैं यहाँ बाबू से सिंपैथी लूं, बाबू अपनी गाली चोली हो गई। और वो भी उधर से कह रही है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, चोल मिलेगा ना मैं उसकी पिताई कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है मेरा बच्चा। वो तो चार दिन बाद जब मम्मी जींस धोने गई तब पार्किंग की पर्ची देख के मुझे याद आया कि यार गाड़ी तो पार्किंग में है। और मैंने यहाँ इंश्योरेंस भी क्लेम कर दिया है। सब कुछ भूल गया था यार, मैं इतना खो गया था कि पूरी पूरी रात बिना पंखे के सो जाता था। सुबह उठता घर वाले पूछते कि पूरी रात इतनी गर्मी में सोया कैसे यार। मैंने प्यार के सहारे, प्यार करके देखो सब कुछ परफेक्ट लगता है यार। इंटरटेनमेंट के लिए भी मैं मूवी वूवी देखने नहीं जाता था, खुद की इमेजिनरी मूवी दीवार पे बना देता जिसमें हीरो मैं, पिंकी हीरोइन, हमारे छोटे छोटे रिंकी मिंकी, फुल सुपरहिट लव स्टोरी एंजॉय। हाँ यार बिल्कुल खो गया तो मैं बहुत खुश था यार कि जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए, प्यार ही तो चाहिए, वो मेरे साथ है, ठीक है। पर फिर ना एक रैंडम सी मोटिवेशनल वीडियो आ गई जिसमें बंदा कहता है कि प्यार करने से पहले खूब सारा पैसा कमा लेना मेरे दोस्त। मैंने कि अगर नहीं कमाया तो, कहता कोई पैसा वाला आके आपसे आपकी मोहब्बत खरीद ले जाएगा। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है फुद्दू, मैं बेचूंगा ही नहीं। कहता लोड़ू वो खुद बिक जाएगी, मेरी वाली भी बिकी थी तेरी वाली भी बिकेगी। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, मनी कैन बाय एवरीथिंग। हाँ उसी वक्त ना वो गाना चल गया यार, पिंकी है पैसे वालों की। मैंने इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। फिर उस वीडियो से मैं इतना इंस्पायर हुआ ना, मेरे दिमाग से प्यार का भूत उतर के पैसा चढ़ गया यार। उसके बाद मैं पिंकी के हर सवाल का उल्टा जवाब देने लगा। एक बार वो मेरे पास आती है, कहती है बाबू ये दुनिया बहुत गंदी है, ये हमारे प्यार को नहीं समझेगा, चलो कहीं दूर जाएंगे और नई दुनिया बनाएंगे। मैंने कहा नई दुनिया बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है तेरे पास? कहते हैं बाबू साथ तो दो यार, प्यार में बहुत ताकत होती है, मैं अपने प्यार से दुनिया बना दूंगी। मैंने कहा ठीक है फिर ऐसा कर, तू निकल दुनिया बनाते मुझे कॉल करियो, क्योंकि बिना पैसों के सिर्फ चूतिया बना सकते हैं दुनिया नहीं। हाँ यार मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूँ यार, एक ही जिंदगी मिली है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, बिस्तर पे लेटे लेटे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, एक लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ दूँ, है कि नहीं? कुछ दिन और हिला के काम चला लो यार, वही माँ बाप आपको लड़की भी दिला देंगे। हाँ यार, और वैसे भी देखो यार, भाग के चटाई पे सेक्स करने से ज्यादा मजा ना एसी वाले रूम में गद्दे पे लेटे लेटे हिलाने में है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम राम राजपूत।